वहीं इधर नागौर में बंजारों के पुनर्वास को लेकर बेनीवाल का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी ये धरना जारी रहेगा। बेनीवाल ने एक बार फिर से बंजारों के लिए पुनर्वास के पैकेज, दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग को दोहराया। वहीं एक आंदोलनकारी मनोज बंजारा ने आत्महत्या की धमकी भी दी है। जमीन वहाँ पे देखे दो तीन जगह, और जिस तरह सामड़ाओं के अंदर पैकेज दिया था उसमें प्रत्येक घर के अंदर जो नुकसान हुआ, सामानों का सामान जो तोड़ा नुकसान हुआ, गाड़ियों का हुआ, वो सारा पैसा सामड़ाओं के अंदर राजस्थान की सरकार ने दिया था। और उसमें MP MLA के कोटे के पैसे भी लिए थे, बाकी पैसा सरकार ने दिया था। मैंने सरकार को ये कह दिया कि 1 करोड़ रुपये मैं मेरे सांसद कोष से दे दूँगा, 10-10, 15-15 लाख हमारे सारे विधायक देंगे, 2-2.5 करोड़ रुपए आप हमसे इकट्ठा कर लो MLA MP से, और 2-2.5 करोड़ सरकार देके कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए, 40-50 जो मकान टूटे इनको 10 से लेके 15 लाख से लेके आप इनको रुपए दो ताकि इनका